ग्रामीण परिवेश में लाउडस्पीकर से निकलने वाली तीव्र ध्वनि जब सुनाई देती है तो बच्चों के लिए उत्सव का माहौल हो जाता है। कुछ तो हो रहा है, अम्मा ने कहा, रामायण हो रहा है। कल से लगातार चल रहा था, रात को भी नहीं बंद हुआ। वो बचपना था, समझ नहीं थी, पता नहीं था ये रामायण क्या होता है। धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़े हुए तो रविवार को टीवी सेट पर, दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था जिसका नाम था रामायण। घर में भीड़ लग जाती, कौतूहल था कि ऐसा क्या हो रहा है। धीरे धीरे पता चला कि कोई एक सीरियल है जिसका नाम है रामायण, और कहानी कुछ यूं थी कि जहां राम कोई दुलोग थे। फिलहाल तो बचपने में ये सारी चीजें नहीं पता होती, कुछ यूं रहा परिचय हमारा राम से पहला। धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल की किताबों में, फिर बाकी सारी चीजों में, बाकी सारी बातों में, लोगों से धीरे धीरे राम को जानना शुरू किया। और फिर आज ऐसी घड़ी है, ऐसी पावन मेला है जहां मैं आप सबको उस अपने परिचय की कहानी, या फिर जो संघर्ष, ये संघर्ष वो संघर्ष नहीं है जब राम जीवित थे तब उन्होंने आत्मसात किया, नहीं, ये संघर्ष वो संघर्ष आज जिस कहानी को मैं आपको बताऊंगा, ये संघर्ष उनके चले जाने के बाद, उनकी जल समाधि के बाद उनके घर को बने रहने का संघर्ष कैसा रहा, आज उस कहानी को जानेंगे। यानी आज हम जानेंगे अपने इस सेशन में इस कहानी को कि राम का जो अपना घर है, यानी अयोध्या में जो उनका मंदिर बन रहा है या बन चुका है, अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अगले कुछ दिनों में, तो वो उसकी जो कहानी, उसका संघर्ष क्या है, पूरी कहानी। बाकी की कहानी तो सब जानते हैं, आगे की बाकी चीजें कैसी हुई, क्या टूटा, लेकिन उसके पहले कहां से आया, ये शुरुआत कहां से हुई, तो फिलहाल तो बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन हाँ कुछ फैक्ट्स जो बहुत जरूरी हैं आप तक के लिए वो मैं पहुंचाऊंगा अपने इस सेशन के माध्यम से। राम मंदिर की बात करें तो राम का घर अयोध्या था, ये तो सब जानते हैं, कहानियां बताती हैं, लेकिन राम त्रेता की बात थी ये। लेकिन राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर तब से चला रहा है। हालांकि कहा जाता है कि राम मंदिर को बनाने वाले कुछ बहुत पहले के राजा थे, इवन उनमें राम के जो पुत्र थे कुश, वो कौशाम्बी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी राम मंदिर को बनवाया। यानी शुरुआत तो नहीं की, लेकिन हाँ बाद में उन्होंने जीर्णोद्धार किया, उसको शुरुआत की। फिर बनाया कौन, बनाया था राम मंदिर इनके जो सूर्य वंश है, और सूर्य वंश के राम के बाद जो राजा हुए, विश्वान कहा जाता है उन्हें, सूर्य पुत्र वैवस्व मनु जिन्हें कहा गया, तो उन्होंने ऐसा कुछ मान्यताएं हैं कि उन्होंने ये मंदिर बनवाया। बाद में जब कुछ उस मंदिर में कुछ प्रॉब्लम हुई, यानी प्रॉब्लम का मतलब कि वो कुछ खराब हुई या काफी दिनों तक वो मंदिर विध्वंस में पड़ी रही, तो बाद में कुश ने आकर उसे इसका निर्माण कराया, फिर से उसका जीर्णोद्धार कराया, और फिर वो मंदिर में पूजा पाठ होने लगा। सिर्फ यही नहीं, साक्ष्य उसके बाद के भी बहुत सारे हैं। गुप्त साम्राज्य में भी अगर आप देखोगे तो गुप्त साम्राज्य के भी साक्ष्य मिलते हैं कि गुप्त साम्राज्य की अयोध्या जो है वो राजधानी रही। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्थान भी था अयोध्या, जिसमें साकेत इसका नाम, आज का जो पौराणिक नाम जिसके बारे में हम जानते हैं साकेत के बारे में, वो साकेत भी यही अयोध्या है जो बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा। ये भी इसकी एक पहचान है अयोध्या की। कालिदास ने रघुवंशम में लिखा, इसका जिक्र किया, उन्होंने बताया कि यहाँ 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, बौद्ध के केंद्र थे, और बहुत सारे बौद्ध के स्तूप वहां मिलते हैं। वेनसांग आता है यहाँ पर, वेनसांग ने भी इन्होंने लिखा, वेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा, उसने भी जिक्र किया कि हाँ अयोध्या और यहाँ राम मंदिर है कोई, और जहां पे हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। सिर्फ एक साक्ष्य नहीं है, बहुत सारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों तक मैं ले जाऊंगा, मैं आपको बहुत डीप नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हाँ जो कहानी है, जो सच है, जो कुछ जो बाहर नहीं आया है अभी तक, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी की बात करें तो वहां आक्रमणकारी आना शुरू होते हैं। इसके पहले की बात मैंने बता दी आपको, जो मोटी मोटी है, जहां बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, आक्रमणकारी आना शुरू होते हैं, बहुत सारे आक्रमण आते हैं, लेकिन ये मंदिर तब भी खड़ा रहता है, बहुत सारे आक्रमणों को झेलता है, लूटपाट होती है, पुजारियों को मार दिया जाता है, लूट के मंदिर से सारा ले जाया जाता है बहुत सारे आक्रमणकारियों द्वारा, लेकिन तब भी ये मंदिर हार नहीं मानता, तब भी लोगों की श्रद्धा हार नहीं मानती, और वो उसी तरह बना रहा, उसी तरह खड़ा रहा। लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ और मुगलों ने इस पर अधिकार कर लिया, ये आज जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये अभी प्रेजेंट का जो नया ढांचा है, अभी जो मंदिर बन रहा है, नया मंदिर राम मंदिर है, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है हालांकि, लेकिन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल तो मुगलों का शासन हो चुका है यहाँ पे, और मुगलों का शासन जब हो जाता है तो फिर तो लूटपाट और पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। धीरे धीरे होता क्या, चूंकि यहाँ आस्था, लोगों की आस्था बहुत थी,
आज से नहीं, ये संघर्ष चल रहा, पिछले 400 सालों का संघर्ष है। और ये 400 सालों का इतिहास मैं आपको संक्षिप्त में बताने वाला हूँ कि कैसे ये सारी चीजें चलती हैं। पांचवीं शताब्दी की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि पांचवीं शताब्दी में बौद्ध का केंद्र था। उसके आगे बढ़ते हैं, 1400 की बात हमने बता दी आपको, 14वीं शताब्दी की, फिर 1500 के बाद की बात करेंगे। 15वीं शताब्दी यानी 1528-29 के आसपास राम मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां पर मस्जिद बना दिया। हुआ यूं कि बाबर, चूंकि यहां पर बाबर का राज्य था और बाबर का युद्ध होता है एक राजा से जिसमें वो विजयी होता है और उस सिलसिले में वो अयोध्या आता है। उसने देखा कि अयोध्या में तो ये तो पूरा ये मंदिर तो बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पे। उसको लगा नहीं नहीं ये आस्था का केंद्र है, इसको ही हटा दो, इसको ही हटा दिया जाए तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। उसने उनका जो उस समय सेनापति था मीर बाकी को आदेश दिया कि भाई तुम इस मंदिर को तोड़ो। और वहां मीर बाकी ने क्या किया, उसके बाद ही मीर बाकी ने तोड़ के उसे एक गुंबद आकृति बना दी कि वहां पर नमाज होनी शुरू हो जाए। तब पूर्ण मंदिर नहीं था उस समय, तो मीर बाकी ने एक गुंबद नुमा आकृति बना दी, मतलब एक ऐसा ढांचा बना दिया जहां पे ये पता चलने लगा कि भाई ये मस्जिद है और वहां नमाज प्रॉपर होनी भी शुरू हो जाती है राम मंदिर तोड़ने के बाद। औरंगजेब के आदेश पे फिर बाद में अयोध्या के जो उस समय के जो कह सकते हैं एक तरह से अंग्रेज के अधिकारी थे, औरंगजेब का आदेश हुआ कि भाई इस पर क्या किया जाए। वहां के जो गवर्नर थे जिनका नाम था फिदाई खान, उन्होंने जब औरंगजेब ने आदेश दिया कि भाई यहाँ पर पूरा मस्जिद बना, तो वो जो गुंबद था जो मीर बाकी ने गुंबद बनाया था उसको बाद में औरंगजेब के आदेश पे जो फिदाई खान थे जो वहां के गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने आई थिंक 1660 AD की बात करेंगे हम यहाँ पे 1660 AD की बात करेंगे तो 1660 AD में मैं जरा थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दूं कुछ। 1660 AD में औरंगजेब ने प्रॉपर जो ढांचा था प्रॉपर मस्जिद बनवाई, वहां पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बनवा दी वहां पे और फिर उसके बाद नमाज होनी शुरू हुई प्रॉपर तरीके से। वहां पे जो नमाज का जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई वहां पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद क्योंकि आस्था का यह केंद्र था और विद्रोह लगातार चल रहा था, उसके बाद भी बीच बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए। हिंदू जो धर्म संगठन के लोग थे उन्होंने विद्रोह किया इसका। कुछ लोग बाहर पूजा करना शुरू कर चुके थे वहां पे कि बाहर का जो हिस्सा, क्योंकि अंदर तो उस समय तो वहां जाने लायक था नहीं, जा नहीं सकते थे, वहां तो शासन था, राजा रजवाड़ा चलता था तो वहां तो किसी को जाने की हिम्मत थी नहीं। लेकिन जब बात करते हैं 1853 की तो 1853 में आते हैं तो वहां एक बार फिर से क्या हो गया, दंगे हो गए इसी मुठभेड़ को लेके कि नहीं यहाँ राम मंदिर है और वहां राम की पूजा होगी। इस मुठभेड़ को लेके दंगे हो जाते हैं, वाह बवाल होता है, मारपीट होती, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अंग्रेज बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या हो रहा है, इसको संभालना पड़ेगा। 1853 में ये होता, 1859 में यानी कि टोटल 5 साल बाद 1859 में उन्होंने क्या किया कि जो अंदर जो भाग था मस्जिद का उसमें तो मुस्लिम नमाज पढ़ते थे, बाहर एक चबूतरा बन गया, वहां हिंदुओं ने अपना राम चबूतरा नाम दे दिया और उस पर वो पूजा अर्चना करने लगे कि भाई हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये स्थान है और ये ऐसा हुआ है तो हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। ये सिलसिला चलता रहा लगातार बाहर चबूतरे पर। वो जो हिंदू संगठन थे या हिंदू जो लोग थे हिंदू धर्म के अनुयायी थे वो अपना राम की पूजा करते थे और अंदर नमाज पढ़ी जाती थी, तब तक ये चल रहा था। लेकिन इस बात को लेकर कुछ लोग जो है जो वहां पे हिंदू संगठन के लोग थे, जो वहां पुजारी लोग थे, खासकर बात करें तो निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे उस समय रघुवर दास, वो कोर्ट चले गए। ये 1800 की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1885 की। 1885 में महंत रघुवर दास जी कहां जाते हैं, मैं आज पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, कैसे तोड़ने से लेकर और उद्घाटन तक पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। तो 1885 की तो रघुवर दास जी कहां चले जाते हैं, फैजाबाद कोर्ट में जाते हैं और उन्होंने वो सुनवाई के लिए बोलते हैं कि भाई यहां पे हमें जो राम चबूतरा है वहां एक मंदिर बनाने दीजिए क्योंकि वहां पर हिंदुओं की आस्था है और वो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। कोर्ट ने खारिज कर दिया, नहीं, उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं खारिज ये नहीं हो पाएगा, अभी ऐसा नहीं हो सकता। चीजें ऐसी ही चलती रहीं, झड़पें होती रही, धीरे धीरे थोड़ा सा मनमुटाव रहा लोगों में, धर्म के बीच जो विद्रोह होता है वो थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी देखने को मिल जाता था। 1934 में एक बार फिर से सारे संगठन जो उपस्थित होते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये तो जबरदस्ती हो रही है, अब नहीं हो सकता। 1934 में फाइनली क्या हो रहा है, गिराने की बात होती है कि भाई गिराने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा विवाद हुआ उसमें, एक आध व्यक्ति ऊपर चढ़ गया मंदिर पर, वहां भगवा लहरा दिया गया, लेकिन फिलहाल चूंकि पुलिस व्यवस्था वहां थी, चाक चौबंद थी, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए लेकिन कुछ और नहीं हो पाया। थोड़ी सी एक दीवार गिर गई, बाद में उसे रिपेयर करवा दिया, ठीक है, रिपेयर करवा दिया गया। होता क्या है कि 1944 में आगे आने के बाद 1944 में क्या होता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, अब देखो यहाँ पर जो पुरानी इतिहास था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास में हम राम, क्योंकि राम राज्य की बात करेंगे, ये आपका अयोध्या नगरी है और अयोध्या नगरी में पूरी जो
अयोध्या की नगरी की बात मैं कर रहा हूँ, यही सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आज कंप्लीट, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कहा आप सबसे कि ये जो तोड़ने से लेकर इसके स्थापना से लेकर कुछ ने इसको कब बनवाया था या फिर विवस्वान ने इसे कब बनवाया था, वहां से लेकर उद्घाटन तक की पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो ये अयोध्या नगरी जो सब कुछ सह रही है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो बात हम कर रहे थे 1934 में दंगा होता है, दीवार गिर जाती है, बाद में उसे फिर से रिपेयर करवा दिया, बनवा दिया जाता है। 1944 में होता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पे आता है और वो उसे अपनी संपत्ति के रूप में घोषित कर देता है। ये घोषित कर दिया जाता है कि ये जो मस्जिद, ये मंदिर का जो पूरा प्रांगण है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब बवाल और हो जाता है, अब विद्रोह और हो जाता है चीजें। राम राज्य जो अभी तक वहां पर पहले था वो राम राज्य अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या हो गया, संपत्ति हो गई, मस्जिद बन गई, वहां मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उसके सामने चबूतरे पर हिंदू धर्म के लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका दिख पा रहा होगा, यहाँ पे राम चबूतरा यहाँ बनाओ, ये आपकी देखो मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, जो बनवा दी गई थी मीर बाकी ने, जो चीजें जो तो एक ढांचा बनवाया था उसी पर बाद में औरंगजेब ने, औरंगजेब के आदेश में जो वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने इस पर मस्जिद बनवा दी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये मस्जिद बन गई और ये सामने यहाँ पे राम चबूतरा है जहाँ पे लोग पूजा करते थे और यहीं पर मंदिर बनाने के लिए ये रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन नहीं दी गई उस समय अनुमति, ठीक है ना। तो फाइनली हम बात करते हैं, फिलहाल तो वापस आते हैं इस पर, और ये पूरी पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें। जब जैसे ही ये हुआ कि अब वो तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, फिर प्रॉब्लम हो गई। 1947 में भारत आजाद होता है, जैसे ही भारत आजाद होता है तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाती है और उसके बाद ही क्या होता है कि 49 में, ये 23 दिसंबर 1949 की बात है, जहां रात में कुछ लोगों ने, ऐसा कहा जाता है या फिर प्रकट हो गई, सुबह सुबह वहां पर मूर्ति आपको नजर आती है मस्जिद के अंदर, जो मंदिर है मंदिर के अंदर प्रांगण में, जहां तो ताला लगा हुआ था अभी तो, मतलब जो सॉरी जहां पे अंदर नमाज पढ़ी जाती थी वहां पर मूर्ति सबको दिख गई। कहा गया कि प्रकट हो गए राम वहां पर, राम की मूर्ति वहां प्रकट हो गई, फिलहाल तो जो भी है, बट फिलहाल वहां मूर्ति दिखी सबको। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, दंगे हो गए, बवाल हो गया, धर्म का धार्मिक बहुत दंगे हो गए। सरकार ने इस पर कंट्रोल करने के लिए उस पर ताला लगा दिया, उनका बंद कर दिया जाए इसको। पहले तो फिलहाल तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने जो है ये दबाव बनाया कि जैसा था वैसा ही रखा जाए, लेकिन चूंकि उस समय कोई भी महंत मूर्ति को हटाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, उस समय जितने भी पुजारी थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी वहां पर, जब मूर्ति प्रकट हुई इतनी भीड़ हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर सरकार से यह आदेश किया कि ऐसा अगर किया गया तो बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। क्या हुआ कि उस पर ताल लगा दिया कि काम करो, उस पर ताल लगा दिया जाए, कोई नहीं जाएगा, ना वो जाएंगे ना वो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी पूजा पाठ वहां पर चलता रहा, बाहर ही सही चबूतरे पर ही सही, लेकिन पूजा पाठ वहां पर चलता रहा। उसके बाद 1950 की बात करें तो 1950 में चंद्रदास जी ने अर्जी दी, कुछ अर्जियां और पड़ी, 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फिर से अर्जी दी। अब यहां से कंप्लीटली जो एक न्यायिक प्रक्रिया है वहां से चलनी शुरू हो गई, क्योंकि इसके पहले तो रजवाड़े और अंग्रेजों का शासन था, वहां तो कोई सुन नहीं रहा था, दिया भी जा रहा था, कोई मतलब नहीं था, जो पावरफुल है उसी काम हो, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ये सारी चीजें चलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि देश आजाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया, जब उसके बाद फिर न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ पे रामचंद्र दास ने अर्जी दी, निर्मोही अखाड़ा ने भी अर्जी दी कि भाई इस पर क्या होना चाहिए, ये पहले तो अधिकार खत्म किया जाए सुन्नी वक्फ बोर्ड का यहाँ से, और राम मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मूर्ति हटाने की अर्जी दे दी यहाँ पे। अब तीनों जो पक्ष थे वो कोर्ट में आ गए। 80 का जो दशक था वो इमरजेंसी का था, इमरजेंसी वहां लगी थी 1980 में, तो फिलहाल तो ये सारी चीजें वैसे ही चल रही थी, बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सब ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही 1980 में जब जनसंघ और बाकी चीजें और मिलकर एक पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, बीजेपी की, यहां मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, फिलहाल तो एक पार्टी की स्थापना होती है, और चूंकि अभी तक जो सरकार थी उसने कभी ऐसी पहल नहीं करी, लेकिन अब जो नई सरकार, नई जो पार्टी बन रही है, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्ववाद की एक अवधारणा को लेकर आ रही है, और शायद कहीं ना कहीं इसने राम के उस मंदिर वाले विवाद को या फिर उस चीज को एक कहता ना कि एक लाइट में ले आने का काम किया। उसके बाद से ये पूरा मुद्दा और ज्यादा, राम अटल बिहारी वाजपेयी जो समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो फाइनली उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा प्रॉपर तरीके से उठाया और उस चीज को लेकर आगे बढ़े। अब ये जो अभी तक जो बहुत ठंडे बस्ते में था, कोई सुन नहीं रहा था, सरकार विपक्ष थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कुछ उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, अब थोड़ा सा ये मुद्दा आगे बढ़ गया। लेकिन मुद्दा आगे बढ़ा तो आगे बहुत सारी त्रासदी हो गई, बड़ी त्रासदी की तरफ आ गए, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई
1986 की बात है जहां पर जिला जज जो फैजाबाद का जिला जज थे उन्होंने ताला हटाने का आदेश दे दिया कि भैया ताला खोल दिया जाए, पूजा करने की अनुमति मिल गई, पूजा करने की अनुमति के अंदर जाके राम मंदिर जहां पे मूर्ति अंदर है वहां प्रकट हुई है वहां पे पूजा करने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है ना। ये करवाया गया तो विवाद और बढ़ गया, और भी विवाद बढ़ गया। राजीव गांधी ने जाके शिलान्यास भी इजाजत दे दी वहां पे, 1989 की बात है जहां पे राजीव गांधी सरकार थी, उन्होंने इजाजत दे दी कि भैया काम करो, पूजा करने की अनुमति तो मिली गई है, वहां शिलान्यास करवा दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये काम होता है हिंसा हो जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़ा दंगा हो जाता है, और फिर से क्या होता है ये। लेकिन अब तक क्या हो रहा है, अब तक चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अडवाणी जी यहाँ पे एक रथ यात्रा कर रहे हैं, अगर आपको याद हो अडवाणी जी यहाँ पर एक रथ यात्रा कर रहे हैं, जो रथ यात्रा शुरू करते हैं ये लोग, ठीक है ना, सोमनाथ से अयोध्या के लिए। ये रथ यात्रा जब शुरू होती है तो इतना जनसैलाब इसके साथ आता है, तो लोगों को अभी तक क्या था कि ऐसा कुछ संगठित नहीं था ज्यादा, कुछ बहुत बड़ा संगठित संगठन नहीं हो पाया था, या लोग जो कॉमन पर्सन था वो शायद इसके साथ नहीं जुड़ पाया था। लेकिन अब जब लोग इसके साथ जुड़ गए, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, दिल्ली का वो जो कनॉट प्लेस का मैदान था वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, तो लोगों को लगा कि नहीं अब तो लोगों में जागरण आ रहा है इसके प्रति, लोग बाकी लोगों को लगा कि नहीं नहीं लोग सजग हैं इसके प्रति, वो सब चाहते हैं। कुछ लोगों का ये मुद्दा नहीं है, जन सामान्य का ये मुद्दा है, जन सामान्य की आस्था का ये केंद्र है, और उसे अभी फाइनली अब जो है लोगों में उसके प्रति जागृति है, और वो चाहते हैं, जनता चाहती है, जनता का शासन हमारे यहाँ है, जनतंत्र है हमारे यहाँ, और जनता चाहती है ये दिखा उस भीड़ में। हालांकि सिर्फ यही नहीं दिखा, बहुत सारी और भी समस्याएं हुई, भगवा मैं तो हुआ लेकिन लाल रक्त की छींटे भी खूब पड़ी इस मंदिर और बनने के पीछे। आज राम की स्थापना वहां पर हो रही है, तो ये इतना आसान नहीं था, काफी रक्त बहाया, कितनी जानें भी चली गई। क्योंकि अगर इसकी मैं कहानी बताऊं थोड़ी सी, तो 30 अक्टूबर की बात है 1990 के बाद, भगवा जब यहाँ पे हुआ 30 अक्टूबर को यूपी में तालाबंदी कर दी गई, क्योंकि राम ये जो रथ है रथ यात्रा वो यूपी आनी थी, अयोध्या आनी थी, और मुलायम सिंह सरकार तक आनी थी, उन्होंने पूरी फोर्स लगा दी यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो चबूतरा ये जो मस्जिद थी उसमें ये कोर्ट है, वहां लिखा था जन्नत तक जिसके, ये बाबर का फरमाया हुआ था, उसमें लिखा था कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल किया। ये मीर बाकी ने जब बनवाया उसको गुम्बद, तो ये लिखवा दिया था, ये वहां पे कोर्ट बाद में मिला था, फिलहाल तो ये बाद में बनवाया, तो ये लिखवा दिया गया था। पूरी फोर्स लग गई है यहाँ पे, यूपी में घुसने ही नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आना ही नहीं है, इस रथ यात्रा को बाहर ही रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होना था, जहाँ भीड़ थी, इतनी लाखों की भीड़ थी, वहां ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो अगर जबरदस्ती किया जाएगा, अगर ऐसा जबरदस्ती से ये कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, उसका आप जानते हो क्या होता है। कहते हैं 28,000 पुलिस के जवान लगे हुए थे, लेकिन फिर भी दंगा हुआ, बहुत सारे लोग उसमें भी मारे पीटे गए, भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए। 30 अक्टूबर की ये बात है, उसके बाद जस्ट 2 नवंबर को, यानी 2-3 दिन बाद 2 नवंबर को दोबारा प्रयास हुआ। जितनी भी भीड़ थी, सब कुछ बंद था, सारी चीजें ट्रेन वेन सारी बंद कर दी गई, कुछ यूपी में नहीं आएगा, लेकिन लोग पैदल चले आ रहे थे, गाड़ियां बसें कुछ नहीं आ रही थी, यूपी के अंदर बंद थी, लेकिन लोग पैदल चले आ रहे थे। 2 नवंबर को दोबारा प्रयास हुआ, फिर भी गोलियां चली, कई सारे लोग मारे गए। आपने बड़ा फेमस नाम सुना होगा, कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई 2 नवंबर को। अब उग्र हो गए लोग, पूरा देश एक तरफ हो गया। 6 दिसंबर का वो दिन जहां लाखों लोग जुट गए, 6 दिसंबर का वो दिन जहां लाखों लोग जुट गए अयोध्या में, पैदल यात्रा, सब पैदल करके आ रहे, कोई कुछ नहीं साधन आ रहा, सब आ रहे यहाँ पे। और उसी दिन दोपहर को, टाइमिंग तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ दोपहर को लगभग 12 के आसपास धीरे धीरे पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, झड़पें हुई, और इतनी भीड़ ने अचानक पूरा जो पुराना राम मंदिर था, जो बाद में मीर बाकी द्वारा मस्जिद बनवाया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, उस पूरे गुंबद को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, हटा दिया गया वहां से सब पूरा। लेकिन जैसे ही ये हुआ, उसके बाद जबरदस्त दंगे हुए पूरे देश में, अलग अलग लोगों में लगभग हजारों लोग मारे गए, मुस्लिम हिंदू विवाद हो गया, दंगे हो गए, धार्मिक जो ये उन्माद था वो बहुत खतरनाक रूप ले चुका था। इसी में पहली बार भारत में ब्लास्ट किया गया, 12 मार्च को वो दिन था जहां 3 ब्लास्ट किए गए और वहां बहुत सारे लोग मारे गए। भयावह स्थिति हो गई इसके बाद, तो सब बेकाबू। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद चीजें बहुत शांत हुई शासन प्रशासन के द्वारा,
पहली बार 2002 में सुनवाई शुरू हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर न्यायिक प्रक्रिया अभी तो जो ठंडे बस्ते में सी थोड़ा बहुत चल रही थी, अब थोड़ा सा और सजग होकर लेना शुरू हुआ। 2002 में सुनवाई शुरू हुई पहली बार, इसकी जजों की बेंच ने सुनवाई करी। 30 सितंबर 2010 में, 2002 से 2010 18 सालों तक ये ठंडे बस्ते में बीच में पड़ा रहा, सरकार की मंशा ही नहीं समझ आ रही थी क्या होना है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे तीन भागों में बांट दिया। 5 जजों की जो पीठ थी उसने तीन भागों में बांट दिया कि काम करते बंटवारा कर लेते हैं। राम जन्मभूमि न्यास को दे दी कुछ जमीन, एक भाग निर्मोही अखाड़ा को एक भाग दे दिया और मुस्लिम पक्ष को एक भाग बांट दिया, लेकिन नहीं, इससे काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाता है तो यहाँ से उन्होंने रोक लगा दी। फिर कई सालों तक ये चलता रहा। 2010 में ये फैसला आया, 9 सालों बाद 2019 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने, जो फिर से एक बार रंजन गोगोई उस समय सीजीआई थे, वहाँ 5 जजों की बेंच ने फिर से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। 16 अक्टूबर 2019 को ये फैसला आता है, जहाँ पे इसी फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है जो फैसला हुआ था। लेकिन इस पर चूंकि हावी ने राजी नहीं थे, तो 2 नवंबर को लगभग 45 दिन का टोटल एक वो बनाया जाता है, फास्ट ट्रायल किया जाता है इसको, और 9 नवंबर 2019 को फैसला फिर से आ जाता है, एकदम फाइनल फैसला कि 9 नवंबर 2019 को कंप्लीटली कहा गया कि भाई जो पूरी जमीन थी, पूरी जो वो प्रांगण था राम मंदिर का, वो पूरा राम मंदिर को दिया, राम मंदिर बनाने के लिए दिया जाएगा। और ये भी फैसला दिया कोर्ट ने कि जल्दी से सरकार ट्रस्ट बनाए इस पे, और मस्जिद के लिए वहां से दूर किसी इंपॉर्टेंट जगह पर 5 एकड़ जमीन देने की भी बात की गई मुस्लिम पक्ष को, कि आपकी मंदिर मस्जिद जो है वहां बनाई जाए, और मंदिर के लिए ये जो जगह है वो मंदिर की है। इसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बात हुई है, बहुत सारी चीजें हुई फिलहाल तो, लेकिन उस बहुत डीप में नहीं जाएंगे। टोटल जो कहानी थी संक्षिप्त में वो इस तरह की थी कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था में, इस पूरी की पूरी यात्रा में, इस पूरी की पूरी कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो भयावह भी थी, लेकिन ये दिखाता है कि ये संघर्ष आज का नहीं है। ये जो आज आपकी परिणति है, जो आज आपके सामने जो 22 जनवरी को होने वाला है ये प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का, ये आज का संघर्ष नहीं है, 400 सालों का संघर्ष है। 5 अगस्त को भूमि पूजन किया पहली बार मोदी जी ने, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और फिर बनना शुरू हुआ, और आज 22 जनवरी को ये जो मंदिर है वो, उसमें राम की जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। फिलहाल तो प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, पूरे भारत में लगभग उत्सव का माहौल है, लेकिन ये जो संघर्ष है वो 400 सालों का है। प्रत्येक दशक में प्रत्येक लोग जितने भी थे वो सब इसके लड़ते रहे, कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई दिया, ऐसा नहीं कि आज जगे है, 400 सालों का संघर्ष है। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी जो यात्रा थी वो अब जाकर कहीं ना कहीं वो सफलता मिल रही है, और राम जो है विखे ना, राम आएंगे तो अभी राम आएंगे फिलहाल तो ये पूरी पूरी कहानी है। इसके बाद बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आएगी आगे चल के राम मंदिर के बारे में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, या फिर और भी जो फैक्ट्स होंगे किसी और चीज़ के बारे में वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।